क्या कर लेंगे, वो मार देंगे किसानों को। किसान मरने को तैयार बैठा है, जिसकी तोप में दम हो वो मार ले आके। हम सब अपना सीना खोल के बैठे हैं। ये कानून जब तक वापस नहीं होगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमें दर्द दिया गया, हमारी जमीनें छीनने की हर संभव कोशिश की गई, देश में जो हो रहा था उससे ज़्यादा दर्द किसानों को दिया गया। इसलिए किसान की मजबूरी है यहाँ बैठना। हमें ऐसे ऐसे जख्म और दर्द दिए भारतीय जनता पार्टी ने कि किसान अब यही सोच रहा है कि बस अब दर्द बहुत हो गया है। अरे काहे का सुर से सुर मिला रहा है भारतीय किसान संघ? अरे भारतीय किसान संघ चुनाव के हिसाब से काम कर रहा है, हम चुनाव के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। बहन जी के सपोर्टर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तुमसे हम वोट कहाँ देंगे? तुम हमें ये सलाह मत दो। नहीं सपोर्टर है नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम हमें ये सलाह मत दो हम कहाँ जाएंगे, किसके सपोर्टर हैं। राम मंदिर हमारे घर में है, भटकाओ मत मुद्दे से। राम मंदिर हमारे घर में है, हमारे मोहल्ले में है। बेचे थे इसलिए दिया था कि गरीब परिवार से आता है, हमारा भी कुछ भला करेगा, गरीब आदमी है। तो और ये हमें नहीं पता था कि ये अडानी अम्बानी का दलाल निकलेगा, तो अडानी अम्बानी को हमारी पूरी जमीनें बेच देगा, ये देश बेच देगा, देश की सारी संस्थाएं बेच देगा। देखो विधायक और सरकार आपने में तब्दील करनी पड़ी। मैं कह रहा हूँ ना, सिसोली सब फोर्स उनका है, वो दद्द वो चार चार गाड़ियां विधायकों के साथ वैसे भी चलती हैं। विधायकों की सरकार है भाई, वो फोर्स उनके पीछे लगा है। कहीं बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, खराब हुई थी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई थी, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, फोर्स वहाँ नहीं है, अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ फोर्स नहीं है, फोर्स पूरा का पूरा उन्हीं के साथ घूम रहा है जो किसानों को गाली दे रहे, किसानों के साथ अत्याचार अन्याय करने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि या तो कप्तान साहब आप देख लो, नहीं तो फिर हम अपने आप आदेश क्या कर देंगे भाई, आदेश क्या कर लेंगे, वो मार देंगे किसानों को। किसान मरने को तैयार बैठा है, जिसकी तोप में दम हो वो मार ले आके। हम सब अपना सीना खोल के बैठे हैं। ये कानून जब तक वापस नहीं होगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। एड्रेस पता सबको पता है, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सबको पता है, कोई भी आ जाए। तो ये जो महापंचायत होने वाली है, लगता है आपको कोई रास्ता निकलेगा? महापंचायत होने वाली है, चुनाव आने वाला है, किसान को क्या करना है, महापंचायत में आगे की रणनीति क्या है, हमें बूथ तक और जिले तक कैसे पहुंचना है, हमारे किसान भाइयों को आगे क्या सुझाव रहेगा, महापंचायत अपना डिसीजन लेगी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। किसानों का ऐलान होगा क्या भैया? मोर्चा जा रहा है ना, पार्टियों की लगाम किसानों के हाथ में, देश के जनता के हाथ में होनी चाहिए। पर कोई पार्टी नाम ही नहीं ले रही है, यूपी में चुनाव आने वाला 7 महीने बाद, कोई जिक्र ही नहीं कर रही है किसानों का। तो किसान मुद्दा ही नहीं बन रहा। होगा अभी 4-5 महीने हैं कि मैनोफेस्टो आएगा, जब रैलियां होंगी, जब किसानों की बात होगी, वोट मांगे जाएंगे, तब चर्चा होगा। नेताजी भी नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी भी सब कर रहे हैं। हमारे नेता हों, तुम्हारे नेता हों, जो किसान की बात करेगा वही सबका नेता है। जो किसानों की बात करेगा, किसानों के हक में मैनोफेस्टो लाएगा, किसानों की जो पहले दिन शपथ लेते ही किसानों की कलम से बिजली माफ करेगा, किसानों की जो सुविधाएं देगा, वही किसानों का नेता होगा। कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, हम सब किसान हैं। किसानों के लाभ की जो बात करेगा, अब तक उद्योगपतियों के लाभ की बात बहुत हो गई, अब किसानों की सदी है, किसानों की बात होगी इस चुनाव में, और किसानों को जो पार्टी लाभ पहुंचाएगी उसी पार्टी का भला होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है, पर सड़कें जाम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसान अपने आप में आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के। तो किसान संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन कर सकते हैं, ये सरकार को सोचना है। अगर सड़कें जाम सरकार को लगता है तो हमारी जो हमें बिना मांगी काले कानून दिए वो सरकार वापस ले ले, किसान चला जाएगा, MSP की कानून बना दे, किसान चला जाएगा। किसान को कहीं कोई बैठने का शौक नहीं है। हमें दर्द दिया गया, हमारी ज़मीनें छीनने की हर संभव कोशिश की गई, देश में जो हो रहा था उससे ज़्यादा दर्द किसानों को दिया गया। इसलिए किसान की मजबूरी है यहाँ बैठना। कोर्ट के आदेश का सब किसान पालन कर रहे हैं। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि किसान के लिए क्या कर रही है वो, तो किसान उसी तरीके से चलेगा। आपको नहीं लग रहा किसान थक रहे हैं? नहीं, हमें नहीं लग रहा है किसान थक रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं रोज नित्य प्रतिदिन किसानों में नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ रही है, और 2022 तक ऊर्जा बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे किसानों के लिए हानिकारक है। और ये भारतीय जनता पार्टी अब देश से हटानी है और प्रदेश से हटानी है, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे जख्म और दर्द दिए भारतीय जनता पार्टी ने कि किसान अब यही सोच रहा है कि बस अब दर्द बहुत हो गया है, अब हमें जो भी करना पड़े, चाहे कुछ भी आंदोलन पर बैठना पड़े, हमें वोट के माध्यम से हटाना पड़े, चाहे जैसे हटाना पड़े, पर भारतीय जनता पार्टी देश में हानिकारक है। भारतीय किसान संघ जो RSS की विंग है, जो किसानों का संगठन है RSS,
वो भी अब आपके मंच को साझा किया है, क्या आरएसएस भी हमारे मंच को भारतीय किसान संघ ने साझा नहीं किया? भारतीय किसान संघ तीन काले कानूनों पे पहले हमारे साथ आए, तब हम मानते हैं वो राष्ट्रभक्त है। भारतीय किसान संघ अगर अपनी कोई मांगे कर रहा है आरएसएस के दबाव में या सरकार को किसानों को भ्रमित करना चाहता है, तो ये किसान जो कानून मांगे अपनी तीन काले कानून के विरोध में बैठा है वो बैठा रहेगा। भारतीय किसान संघ को जो करना है करता रहे, लेकिन किसानों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान जो अटल अपनी मजबूत इरादे लेके बैठा है तभी हटेगा यहाँ से। जब क्या सके क्यों नहीं सके? भारतीय किसान संघ अब तक कहाँ था? जब तक जब कोरोना काल में कानून पास कर दिए गए तब कहाँ कहाँ था? तब तक तो ये कहता रहा कि भारतीय किसान संघ से पूछ के कानून बनाए गए। तो भारतीय किसान संघ आरएसएस आरएसएस आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? किसके किससे पूछते हैं? भारतीय किसान संघ से। हमें क्या जरूरत है पूछने की? हम कोई नेता है? हमें तो कानून बता दे कोई हमारे लिए क्या ठीक बनाए, हम पूछ लेंगे। जो कानून बनाए हैं वो किससे पूछ के बनाए हैं सरकार ने, ये बता दे। और ऐसी बात कर रहे हैं आप कि जनता से पूछ के कानून बनते हैं क्या? जनता से पूछ के नहीं बनते। तो किसान संगठन, आप ये किसान संयुक्त मोर्चा में 500 संगठन है, 47 का संयुक्त मोर्चा है। तो आपने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा, उनसे पूछा गया और उनकी मर्जी थी बस? नहीं, हमारा प्रतिनिधि कौन भेजा था? जो अपने सांसद चुन के नहीं भेजा, सांसद चुन के भेजा था। उससे सांसद से कहाँ पूछा गया? सांसद को ड्राफ्ट ही पता नहीं। किसी भी क्षेत्र के सांसद को पूछ लो, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछ लो, हमारे मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट का ही पता नहीं है कि ड्राफ्ट क्या है, कानून में काला क्या है। हमारा कृषि मंत्री नहीं जानता कानून में काला क्या है, तो उन्हें कैसे पता है? जो जहां से कानून आए हैं, जिन लोगों के दबाव में कानून आए हैं, किसान उनको अब समझ रहा है सब कि अब सही समय पर डिसीजन लेना। जो कंपनियां मोदी जी के ऊपर राज्य कर रही हैं, उन्हीं कंपनियों को वोट के माध्यम से हटाया जाएगा। जो वोट के माध्यम से आए, उसकी डिमांड है एमएसपी पर लिखित कानून बनाया जाए, वही डिमांड तो अब ये भारतीय किसान संघ क्या कर रहा है वो भारतीय किसान देखे। हमारी तीन काले कानून वापस कराने की पहली डिमांड है, उसके बाद एमएसपी की 70 साल से जो कानून पेंडिंग पड़ी है वो सरकार को माननी पड़ेगी। ये समझ लो, कहीं भी एमएसपी पे सरकार ढिंडोला पीटती है कि एमएसपी पे हम खरीद करते हैं, तुम मुझे बता दो उत्तर प्रदेश में कितना खरीदा है इनने? 6% खरीद हुई है। भाई 6% किसकी खरीद हुई है? किसान की तो हुई नहीं, किससे खरीदा है इन्होंने? अगर भारतीय किसान संघ आपके सुर से सुर मिला रहा है तो दिक्कत क्या है? अरे काहे का सुर से सुर मिला रहा है भारतीय किसान संघ? अरे भारतीय किसान संघ चुनाव के हिसाब से काम कर रहा है, हम चुनाव के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इसलिए भारतीय संघ किसान संघ को जो है ना उसे खड़ा किया जा रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा ने भेज दिया, आप भी करिए चुनाव के हिसाब से। हम तो सब बीजेपी के थे, कौन कह रहा सपा ने भेज दिया? क्यों, सबने वोट बीजेपी को दिया था। टिकैत साहब ने मंच से नहीं खड़े होके बोला, सबने वोट बीजेपी को दिया था। क्यों देंगे अब? किसे देंगे अब? तो जिसे मर्जी देंगे। अभी भी हमारी जमीनें भी छीन ली, घर द्वार छीन लिया, सब छीन लिया, जिसको मर्जी देंगे। अखिलेश भैया को नहीं दोगे? हम जिसको मर्जी देंगे। तुम हमारे बिचौलिया हो, विरोध कर रहे हो? मैं कुछ कह रहा हूँ, जिसको मर्जी देंगे। सपा का विरोध कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, हमने तो बीजेपी को वोट दिया था, सब किसानों ने बीजेपी को वोट दिया था, इसीलिए तो हमने आज रोड पे बिठा दिया। पक्का नहीं आप सपा को दोगे वोट? मैं कह रहा हूँ ना, हम जिसको मर्जी दें, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है पूछने का। ना ना ना, हमारा अधिकार। तो फिर हम जिसको, मैं कह रहा हूँ ना, जिसको मर्जी दूं, पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। बीएसपी को क्या वोट? क्यों, तुम्हें क्यों बता दें बीएसपी को देंगे? बहन जी से कह दो कानून के लिए एक दिन आ जाए हमारे यहाँ, कुछ तो जारी करे फरमान। उत्तर प्रदेश में अगर किसान किसी भी पार्टी का समर्थन अगर नहीं करता है तो क्या लोग भटक नहीं जाएंगे? भाई बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो अभी तुम्हें जल्दी क्यों हो रही है? अभी तो 4 महीने हैं, 5-6 महीने हैं, अभी जल्दी क्यों हो रही है? अभी वोट डाला जाता है तो वोट की डेट होती है, डेट पे हम अपना तय कर लेंगे, हमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं कि वोट किसे दोगे। लेकिन एक बात समझ लो कि जिसने मेरे साथ धोखा किया उसको तो नहीं देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर नहीं है? फिर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के हम सपोर्टर हैं या बहन जी के सपोर्टर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तुमसे हम वोट कहाँ देंगे? तुम हमें ये सलाह मत दो। नहीं, सपोर्टर है नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम हमें ये सलाह मत दो, हम कहाँ जाएंगे, किसके सपोर्टर हैं? बस ये समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अब एक भी किसान नहीं देगा देश का। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, यादव सुन लो। हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ दिया, बताओ। 2014 में, 2014 में दिया, 19 में नहीं दिया ना, नहीं दिया 19 में, 2014 में दिया। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों, जो यादव है क्यों नहीं देगा? किसको?
हो सकता है फिर दे दे राम मंदिर के नाम पर दे दे हिंदू राष्ट्र के। राम मंदिर हमारे घर में है, भटकाओ मत मुद्दे से। राम मंदिर हमारे घर में है, हमारे मोहल्ले में है। उस राम मंदिर से भला नहीं, हमारी जमीनें जो हैं उनसे हमारा भला होगा, किसान का जो किसान की भारत माता है उससे भला होगा, राम मंदिर से भला नहीं होगा। राम मंदिर के लिए नहीं, राम मंदिर के लिए नहीं दिए थे, मोदी के दिए थे। गरीब माँ का बेटा था, उसकी माँ ने घरों में बर्तन धोए थे, मोदी जी स्टेशन पे चाय बेचे थे, इसलिए दिया था कि गरीब परिवार से आता है, हमारा भी कुछ भला करेगा, गरीब आदमी है। तो और ये हमें नहीं पता था कि ये अडानी अम्बानी का दलाल निकलेगा, तो अडानी अम्बानी को हमारी पूरी जमीनें बेच देगा, ये देश बेच देगा, देश की सारी संस्थाएं बेच देगा, किसी को किसान को पता नहीं था।